मैं कौन हूं, कौन नहीं। मां को किया वादा हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं। ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी नाम तो सुना होगा। ये तो शुरुआत है, जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। सबूत ले आइए, ले जाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग खान, आप जानते होंगे SRK को, बोले तो शाहरुख खान को, जो यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के माने जाने किंग माने जाते हैं, बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मूवी जो आती है ब्लॉकबस्टर मूवी होती है। इनकी एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है जवान, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसका ट्रेलर अभी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत ही जल्द ये मूवी आने वाली है और बहुत ही हाई लेवल की मूवी बनाई गई है। अगर इस मूवी की बात की जाए तो ये मूवी फाइटिंग वाली मूवी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो शाहरुख खान की आपको पता होगी कि ज़्यादा लव स्टोरी मूवी होती थी, लेकिन ये जो मूवी है फाइट मूवी होने वाली है, एक्शन मूवी होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा इससे पहले पठान मूवी आई थी, वो भी फाइट मूवी थी और एक्शन मूवी थी, और ये भी एक्शन मूवी होने वाली है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग यूज हुआ है शाहरुख खान के द्वारा, और अगर बात किया जाए तो इसमें विलन का रोल भी शाहरुख खान ही दिखने वाले हैं, जो कि विलन का रोल कर रहे हैं। और अगर हीरो की बात की जाए तो हीरो का रोल भी यही शाहरुख खान ही दिखा रहे हैं। तो इनकी बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि इनका एकदम आधा जो है बहुत ही सुपर डुपर है, और ये कोई भी अगर मूवी लेके आते हैं तो हिट होने वाली। आपको पता ही होगा कि अभी पठान मूवी आई थी और पठान मूवी का एक सॉन्ग था जिस पे आपको पता होगा कि दीपिका पादुकोण ने एक भगवा कलर का बिकनी पहनी थी, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। हिंदू धार्मिक लोग जो जितने थे, संत लोग थे, काफ़ी विवाद किए थे इस बात पर, और वो बोल रहे थे कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई इससे। लेकिन आपको पता होगा कि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर गई और ब्लॉकबस्टर काफ़ी अच्छा कमाई की, और साथ में आपको उस मूवी में सलमान खान भी दिखे थे। तो आप तो जानते हैं कि हमारे सलमान भाईजान अगर किसी मूवी में देखते हैं तो मूवी हिट ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। आपको पता होगा कि हमारे जो बिग बॉस सलमान खान है उनकी क्या फैन फॉलोइंग है, और उनका एक रुतबा अलग ही है। तो मैं बात करने वाला हूँ शाहरुख खान के इस जवान मूवी के बारे में। इस मूवी में शाहरुख खान ने एक डायलॉग मारा है जो लास्ट में है कि जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता है, जो कि एकदम ज़बरदस्त लेवल का एक डायलॉग है, जो कि लोग अभी से बहुत ज़्यादा पसंद किए इस डायलॉग को। और लास्ट में जो शाहरुख खान ने जो क्या डांस किया है एकदम ट्रेन के अंदर, क्या ही सुपर डुपर, एकदम मेट्रो ट्रेन के अंदर एकदम देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे लुक में। और इसमें शाहरुख खान जब विलन का रोल कर रहे हैं तो गंजा दिख रहे हैं, जो कि अगर बोला जाए तो टकला जिसे बोलते हैं, सर पे कोई बाल नहीं है और पट्टी वट्टी लपेट के थोड़ा अलग तरीके से विलन बने हैं। लेकिन कुछ भी होगा, जो ट्रेलर है देख के एकदम दिल खुश हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम बनाया गया है इस मूवी को। अगर बात की जाए तो बहुत भारी बजट में इसे बनाया गया है, और हमें पूरा एकदम भरोसा है कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर होने वाली है और एक इतिहास बनाएगी। और आपको पता होगा कि जल्द ही गदर मूवी आने वाली है, तो इस मूवी को आप एकदम बिल्कुल दिल से देखिए। और ये न्यूज़ अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सभी नए मूवी के बारे में जान पाएं। तो ये अगर आपको न्यूज़ पसंद आया हो, अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, फिर कोई न्यूज़ के साथ। तो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।